हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आपको तो पता चल गया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक है क्या। जी हां, आज हम बात करेंगे AKM के रिकॉइल को कैसे कंट्रोल करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तब तक आइए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जी हाँ, मैंने आपको अपने पिछले टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो में बताया था कि किसी भी गन के रिकॉइल को कैसे कंट्रोल करना है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और आगे हम आपको बताते हैं कि अभी AKM की गन को कैसे रिकॉइल कंट्रोल करते हैं। पिछले मैं बताया था कि आपको एक फिंगर से फायर करनी है और दूसरे फिंगर से कैमरे एंगल को डाउनवर्ड स्वाइप करना है, जिससे कि आपका रिकॉइल जो है कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ होलोग्राफिक आके आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे आपको बताया था कि एक फिंगर से फायर करना है, दूसरे फिंगर से आपको जो कैमरा एंगल है उसे डाउनवर्ड स्वाइप करना है, जिससे कि आपकी गोलियां रिकॉइल कर। ये कौन है? अबे क्या है, क्या है भाई, 377 का फायर, चल भाग गया, हट, ठीक है। और कहाँ कहाँ से आ जाए, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको कि आपको उसको उस सेटिंग करने के बाद जो दूसरी सेटिंग है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बिना स्कोप के मतलब सिंगल फायर बटन से मैंने फायर किया, देखिए मैंने दूसरा फिंगर यूज़ नहीं किया, लेकिन फिर भी कितनी रिकॉइल कम है। इसके लिए आपको सेटिंग करना है ये कि आपको जाना है सेंसिटिविटी एरिया में, वहाँ आपको जायरो स्कोप के लिए बढ़ाना है सेटिंग। देखिए थर्ड पर्सन नो स्कोप में मैंने 150 कर दिया समथिंग, और 3x और 4x को भी लगभग 150 रखते हैं, 159, ठीक है। और हाँ, अलग अलग बराबर कर रहे हैं यार, क्यों लग रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम रेड डॉट को बढ़ाते हैं थोड़ी आगे, इसको भी हम 150 लगभग कर लेंगे समथिंग, हाँ 150 पे हो गया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ नो स्कोप पे इसके रिकॉइल कैसी जा रही है। अब इसके लिए आपको करना क्या है कि आप जब भी फायर करें बटन, ठीक है, फायर बटन दबाएं तो अपने फ़ोन को थोड़ा सा टिल्ट कर लें, जिससे कि रिकॉइल कम हो जाएगा जायरो स्कोप की वजह से। वो आपकी हेल्प कर देगा जायरो स्कोप की, आपकी गोलियाँ ऊपर रिकॉइल ना जाएँ, ठीक है। तो देखिए मैं दिखा रहा हूँ, अब मैं स्कोप करके दिखाता हूँ कि मैंने देखिए सिंगल फायर किया, सिंगल बटन से फायर किया और अपने फ़ोन को थोड़ा सा टिल्ट किया नीचे, जिससे कि सारी गोलियां रिकॉइल कम हुई। देखिए एकदम जगह पे सारी की सारी, लगभग कुछ तो गई इधर उधर, वो पता है, लेकिन ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरह करने से रिकॉइल कितना कम हो जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको थोड़ा सेटिंग में, देखिए अब इसको करने के लिए आपको जायरोस्कोप को स्कोप ऑन रखना पड़ेगा। तो अब मैं इसको 4x पे दिखा देता हूँ आपको करके कि कैसा हो रहा है, ठीक है। तो 4x पे जब मैंने फायर किया सिंगल बटन से और अपने फ़ोन को डाउनवर्ड किया, उसको जो थोड़ा सा झुकाया, तो सारी की सारी गोलियाँ देखिए कितनी कम हुई है भाई, कितनी कम हुई है रिकॉइल, कितनी सारी एक जगह ही लगी है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ अगर हम बिना इसको जायरोस्कोप ऑन किए करते हैं और बिना कंट्रोल किए हुए करते हैं फायर, तो देखिए आपकी गोलियाँ कहाँ जाती है भाई रिकॉइल होके, ये देखिए भाई आसमान में गई, आसमान के परिंदे बना दिया है। चलिए ठीक है मैं अभी दिखाता हूँ आपको इसको ऑन करके कि इसको करने के बाद आपकी जो फायरिंग का जो रिकॉइल है AKM का कितना कम होता है, ठीक है। 4x पे देखिए आप, मैं सिंगल से फायर कर रहा हूँ, आप फोन को अपना नीचे हल्का सा पीछे टिल्ट कर रहे हैं और सारी की सारी गोलियाँ एक जगह, ठीक है भाई, देख रहे हैं आप, रिजल्ट आपके सामने है, ये देखिए इधर कहाँ गई गोली, फिर से करते हैं। तो मैं फिर से फायर कर रहा हूँ, देखिए सारी गोलियाँ एक जगह ही लगेंगी लगभग, ठीक है। फायर किया मैंने, दूसरा फिंगर टच नहीं कर रहा हूँ और सारी गोलियाँ एक जगह। अब मैं रेड डॉट पे दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, रेड डॉट पे जा रहा है, मैं लगाता हूँ, देखिए फायर किया सारी गोलियाँ, बस फ़ोन को टिल्ट कर रहे हैं नीचे, बाकी गोलियाँ सारी तो एक जगह जाएंगी, आप देख ही रहे हैं आपके सामने है, तो ज़्यादा ठीक है मीम नहीं है भाई, ये नॉर्मल वीडियो है मेरी, सॉरी। हाँ तो 4x कर रहे हैं, 4x लगाया मैंने फिर से और फायर किया सीधे, थोड़ा सा बस फोन को टिल्ट किया और सारी गोलियां एक जगह, देख ही रहे आप, एकदम शानदार लगे ये सेटिंग भाई, बड़े दिन बाद समझ गई, लेकिन आगे अच्छी है। सारे गन्स कर सकते इसको रिकॉइल इसी तरह आप, ठीक है। तो उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कुछ थोड़ी सी और ट्रिक, जैसे कि पीक फायर करना, पीक फायर तो बताइए। अब मैं थोड़ा सा गन में वो लगा देता हूँ, एक वो क्या बोलते हैं इसको, कंपनसेटर लगा दिया मैंने। अब चेक करते हैं गन की रिकॉइल को, ठीक है। ये हो गया हमारा रेड डॉट पे, देख सकते हैं आप कितनी कम हो गई। कंपनसेटर लगाने के बाद वैसे ही रिकॉइलिंग कम हो जाती है, और इसको लगाने के बाद आप देख ही रहे हैं कि कितनी और रिकॉइल। अब हम पीक करके फायर करेंगे, पीक करके फायर कीजिए, देखिए सारी की सारी गोलियाँ एक जगह, और बस फ़ोन को थोड़ा सा टिल्ट करना है, ये नीचे आ रहा है मत पता है, लेकिन मैंने उसको
नहीं किया था भाई, मैंने कैमरा एंगल नहीं किया था डाउनवर्ड, वो सारे सी की वजह से हुआ है, जायरोस्कोप की वजह से हो रहा है। अब मैं आपको 4x लगा के दिखा देता हूँ, रेड डॉट तो देख लिया आपने, अब 4x लगा के मैं दिखाता हूँ कि टिल्ट करके मतलब पिक करके मारने से क्या पड़ता है भाई, बहुत पड़ता है इफेक्ट, क्योंकि पिक करने से ज़्यादा गोलियाँ कम रिकॉइल होती हैं किसी भी गन में, ठीक है। तो आप देखिए मैंने फायर किया, ये तो उसी पे है, लेकिन जब भी आप इसको फायर करें तो अपने फ़ोन को थोड़ा सा नीचे टिल्ट कर दें, बाकी ये संभाल लेगा यार, देखिए समझ आ रहा है ना, सही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आप सभी से आपके लिए और नेक्स्ट वीडियो लाता रहूँगा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इजाज़त दीजिए, थैंक यू।